अजमेर के रामगंज थाने में इंदिरा कॉलोनी जॉन्सगंज की रहने वाली शारदा पत्नी पुष्पेंद्र कुमार ने अपनी ही बहन और बहनोई पर 10 लाख की FD व अन्य रेलवे के दस्तावेज चोरी करने का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चोरी की जानकारी देते हुए हेड कांस्टेबल किशन सिंह ने बताया कि शारदा देवी ने शिकायत दर्ज कराई कि उनके भाई की 10 लाख की FD जिसकी नॉमिनी वह खुद थी, जिसे उसकी बहन चंदा व बहनोई द्वारा चुरा लिया गया। इसके साथ ही रेलवे के विभिन्न दस्तावेज भी घर से चुराए गए हैं। इस संबंध में पुलिस जाँच में जुटी है। कल दिनांक 23/9/2021 को श्रीमती शारदा पत्नी पुष्पेंद्र कुमार जाति कॉलोनी निवासी इंदिरापुरी जोनगंज ने एक रिपोर्ट दी कि मेरे भाई के नाम 10 लाख की FD थी जिसकी नॉमिनी मैं थी। वो मेरे घर पर इंदिरापुरी में ये 10 लाख की FD के डॉक्यूमेंट्स और अन्य रेलवे के डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे, जिस पर इसकी बहन चंद्रा और उसका भाई आए थे, जो घर में से FD और रेलवे के अन्य दस्तावेज चुरा कर ले गए, जिस पर थाना जयपुर प्रकरण दर्ज हुआ है। अनुसंधान जारी है। किशन सिंह, हेड कांस्टेबल, पुलिस थाना रामगढ़।